हेलो फ्रेंड्स, जब पठान मूवी की बात होती है तो कोई ना कोई नया बवाल खड़ा हो जाता है, या कोई नया रिकॉर्ड बन जाता है, या कोई नया रिकॉर्ड टूट जाता है। तो आज हम बात करेंगे पठान मूवी के एक नए रिकॉर्ड बनने की। पठान मूवी का जब से ट्रेलर आउट हुआ है, ऑडियंस में इस मूवी को लेकर भौकाल मचा हुआ है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। फैंस बेसब्री से इस मूवी का रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। वही शाहरुख खान 4 साल बाद इस मूवी के साथ अपना बॉलीवुड में कमबैक कर रहे हैं। जब से पठान मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, तब से एकदम हड़कंप मच गया है। सबको एडवांस बुकिंग करनी है पठान मूवी की। हर तरफ पठान मूवी की लेकर बात हो रही है। वैसे पठान मूवी की एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू नहीं हुई है, लेकिन विदेशों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और एडवांस बुकिंग को लेकर यह मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है, ताबड़तोड़ बुकिंग कर चुकी है। भाई इंडिया में ही नहीं इस मूवी का, बल्कि विदेश में भी इस मूवी का इंतजार है फैंस को। पठान मूवी में अमेरिका में पहले दिन $3 लाख लगभग 2.4 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। यूएई में $65,000 लगभग 53 लाख रुपए एडवांस बुकिंग हो चुकी है पठान मूवी की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी $75,000 लगभग 42,56,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और जर्मनी भी कहीं छोटा रहता है, जर्मनी में भी इस फिल्म के लिए €15,000 लगभग 1,32,00,000 की एडवांस बुकिंग। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि यह मूवी 2023 की सबसे हिट, ऐसा लगता है कि अवतार 2 को भी पीछे छोड़ देगी। क्या मैं सच कह रहा हूँ? पता नहीं मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, लेकिन यह सब रिलीज होने के बाद क्लियर हो जाएगा। वैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं एडवांस बुकिंग के, ओनली फॉर विदेश के, जो आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अभी इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग बाकी है दोस्तों, और उसके बाद रिलीज होने के बाद क्या हाल रहेगा सिनेमा घरों का, भाई पता नहीं। पठान मूवी यह पहली ऐसी मूवी है जिसका ट्रेलर दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था। दोस्तों अभी तक मैंने तो ऐसी कोई मूवी नहीं देखी है जिसका ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया हो। ये तो बस शाहरुख खान की बात है, जो दुबई में भी इस मूवी को लेकर काफ़ी चर्चा है और ऑडियंस पागल है दुबई की। दुबई की नहीं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जर्मनी और इंडिया तो बाकी है अभी। तो देखते हैं 25 तारीख के बाद क्या हाल होता है इस मूवी का, सब आंकड़े सामने आ जाएंगे। वैसे भाई शाहरुख खान, भाई ये सब शाहरुख खान ही कर सकते हैं ऐसा जलवा। तो इस मूवी ने केजीएफ 2 को भी पिछाड़ दिया है दोस्तों। भाई ऐसा लगता है ये सारी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ देगी एडवांस बुकिंग में, और इस समय ट्रेंडिंग पर है या यूट्यूब पर पठान मूवी का ट्रेलर। वैसे अभी 1-2 दिन पहले नंबर 2 पर आ चुकी थी शहजादा ट्रेलर को लेकर, लेकिन फिर से अपने नंबर 1 पर खड़े हुए हैं यह मूवी। तो वेट करिए दोस्तों 25 जनवरी का, और उसके बाद शाहरुख खान झूमे जो पठान मेरी जान महफिल भी लुट जावे। तो कैसा लगा यहाँ मेरा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।